माले गनीमत आए और हज़रत सैयदना फारूक आज़म तकसीम फरमा रहे हैं। एक चादर बड़ी कीमती है, तो सहाबी अर्ज़ करते हैं कि बाकी आपने माल सारा तकसीम कर दिया है, ये जो चादर है ना नक्शो निगार वाली खूबसूरत कीमती चादर, आपने जो अपने बेटे की नई नई शादी की है ये उस बहू को दे दें, ये चादर आप अपनी बहू को दें। ये मशवरा दिया है एक सहाबी ने हज़रत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, तो आपने फरमाया नहीं, ये चादर मैं अपनी बहू को नहीं दूंगा, ये चादर मैं हज़रत उम्मे अम्मारा को दूंगा। सहाबा ने पूछा, वो तो बुढ़िया हैं, इतनी कीमती चादर हज़रत उम्मे अम्मारा को देंगे, सबब क्या है? फरमाया वो वक्त अब भी मेरी आंखों के सामने है जब उहद के मैदान में दुश्मनों का एक जत्था बड़ा था अल्लाह के रसूल की तरफ, मैंने देखा उम्मे अम्मारा औरत हो के तलवार लेके दौड़ पड़ी। जिनकी खवातीन इतनी बहादुर हैं उस कौम के मर्द कितने बहादुर हो, जिस कौम की औरतें इतनी बहादुर हैं। फरमाया उम्मे अम्मारा तलवार लेके दौड़ी और कहा मेरे होते हुए तुम मेरे रसूल तक नहीं पहुंच सकते। फिर अपने चार बेटों को आवाज दी, चार बेटे थे हजरत उम्मे अम्मारा के, उन चारों बेटों को आवाज दी और आवाज देते हुए कहा मेरे रसूल के सामने दीवार बन के खड़े हो जाओ, तीर तुम्हारी छातियों पे लगे, मेरे रसूल तक कोई तीर न पहुंचने पाए। और फिर इस बीबी उम्मे अम्मारा ने फरमाया अगर मेरे चारों बेटे शहीद हो जाएं मुझे कोई गम नहीं होगा, अगर मेरे रसूल को तकलीफ पहुंची तो मुझे गम होगा। चारों बेटे हजूर के सामने दीवार बना के खड़े कर दिए, का तीर तुम्हारी छातियों पे लगे, औलाद से बढ़ के अल्लाह के रसूल से प्यार किया है। जिन्होंने औलाद से बढ़ के अल्लाह के रसूल से प्यार किया है, सहाबा ने उनकी कदर की, उनकी अजमत और शान का इजहार किया है। जिस कौम की औरतें इतनी बहादुर हैं उस कौम के मर्द कितने बहादुर होंगे। अपनी औलाद को हजूर पर फिदा होने का दर्स दिया। कोई भी दौर हो, 21वीं सदी हो या 22वीं सदी आ जाए, ईमान की हिफाजत के लिए हजूर की मोहब्बत ही सबसे बड़ा हिसार है। हजूर की मोहब्बत घटने न दें, हजूर की मोहब्बत बढ़ती रहे। ये दुआ अल्लाह की बारगाह में किया करें, या अल्लाह मुझे और हजूर की मोहब्बत अता फरमा। क्योंकि हजूर की मोहब्बत बाज़ुकात बाज़ लोग समझते हैं मेरे दिल में मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत उस मकाम पर ही रुक जाती है, मोहब्बत में इजाफा होता है। या अल्लाह इस मोहब्बत को और बढ़ा दे। हजूर की मोहब्बत ही तमाम फितनों से निपटने के लिए काफ़ी है। और अगर दिल में हजूर की मोहब्बत नहीं है, सब कुछ है हजूर की मोहब्बत नहीं है तो ईमान नहीं, हजूर की मोहब्बत ही ईमान। साहब